दोस्तों, आज की मैच काफ़ी अच्छी रही और इस मैच में युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छे तरीके से विकेट्स लिए हैं। युजवेंद्र चहल ने 6 विकेट लिए, सिर्फ 25 रन देखे और टॉप वर्ल्ड के टॉप 3 थर्ड बॉलर हुए जिन्होंने ये मुकाम पाया है। उनका साथ दिया बुमराह ने, जिन्होंने 3 विकेट लिए और उसके बाद मिश्रा जी ने 1 विकेट लिया। अमित मिश्रा के 1 विकेट, बुमराह के 3 और चहल के 6 विकेट से पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड की टीम 119 पर 2 विकेट थी और 127 पर पूरी ऑल आउट हो गई। ये कमाल सिर्फ चहल ने करके दिखाया। इसके बाद इंग्लैंड टीम अब घर जाएगी और अब आते हैं इंडिया की बैटिंग की ओर। इंडिया की बैटिंग में 202 रन किए गए और MS धोनी, रैना और युवराज सिंह ने काफ़ी अच्छी पारी खेली। इस पारी के दौरान रैना ने 63 रन किए सिर्फ 45 बॉल्स में। एम एस धोनी ने 53 रन किए और ये उनकी काफ़ी सालों बाद की पहली हाफ सेंचुरी थी। रैना की ये काफ़ी सालों बाद की हाफ सेंचुरी थी और धोनी की ये अपने T20 करियर की पहली हाफ सेंचुरी थी। और आखिर में आते हुए युवराज सिंह ने काफ़ी अच्छे तरीके से शॉट्स मारे और इंग्लैंड टीम पहुंच नहीं पाएगी इस तरह के टारगेट तक पहुंचाया इंडियन टीम को। 202 रन करके इंडियन टीम ने 203 का लक्ष्य रखा, जो कि इंग्लैंड टीम कर नहीं पाई और इंडियन टीम ने अब सारे सीरीज़ अपने काबू में कर लिए हैं। इसका श्रेय जाता है धोनी, युवराज, रैना और चहल को।